हेलो एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश विद आरजे सो टुडे वी विल टॉक अबाउट ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स इन लास्ट सेशन वी हैव लर्न वेयर ऑल वी शुड बी यूजिंग आर्टिकल्स बी ए डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट एंड लर्न ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स सो कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे और अगर हम वो रूल्स ध्यान में रखते हैं तो हमें आर्टिकल ओमिशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सो so, सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा जब भी हम देखें कोई एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्सटेंस देखें एज एन मटीरियल नाउन कभी भी कोई देखें तो इनके जनरल सेंस में हमें कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है जैसे मैंने बोला मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ तो मिल्क के आगे आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्यों क्योंकि वो मटीरियल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं ड्रिंकिंग टू थ्री लीटर ऑफ वाटर डेली इज गुड फॉर हेल्थ मतलब दो तीन लीटर पानी पीना डेली हेल्थ के लिए अच्छा है पानी जो है वो नाउन है और इसके आगे हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे सेंटेंस में मिल्क इज़ वेरी हेल्दी मिल्क बहुत ही हेल्दी है तो मिल्क के आगे कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे ऑनेस्टी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके आप आगे आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे लेकिन बेस्ट के आगे द का यूज़ क्यों करेंगे याद है ना क्योंकि हम सुपरलेटिवस में द आर्टिकल का यूज़ करते हैं चलिए आप समझते हैं सेकेंड रूल जो कि है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के अराउंड सो so, जब भी हम बात करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन की जनरल सेंस में तो उनके भी आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है जैसे चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो बच्चों के आगे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा या मैं बात करती हूँ कंप्यूटर्स आर यूज इन मैनी ऑफिसज तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर नहीं बोला एक सिंगल कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है कंप्यूटर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा आई एम sure श्योर आप लोगों को याद भी होगा एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आर्टिकल वाले लेसन में अ स्नेक एंड स्नेक्स का तो स्नेक के आगे मैंने अ लगाया था लेकिन स्नेक्स के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया था तो वो आपको ध्यान रखना है चलिए समझते हैं थर्ड रूल जो कि बात करता है कि प्रॉपर नाउन के आगे काफ़ी सारे प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाया जाता है तो मैंने आपको अपने वीडियो क्लास में बताया है कुछ एक्सेप्शन जिन प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल्स लगाए जाते हैं आपको हमेशा याद रखना है आपको किसी भी नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है अगर मैंने बोला रुचिका तो आई विल नेवर से द रुचिका और आर रुचिका आई विल ऑलवेज से रुचिका किसी भी पर्सन के नाम के आगे आर्टिकल नहीं आएगा राम श्याम एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ दिए हैं कभी भी हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ या सिटीज़ की तो उनके आगे आर्टिकल नहीं लगाया जाता है लेट सपोज़ इंडिया यूरोप डेली इनके आगे कभी आर्टिकल नहीं आएगा लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ ग्रुप ऑफ स्टेट्स की लाइक द यूएसए तो उसके आगे आर्टिकल आएगा और अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल माउंटेन्स या हिल की लाइक माउंट एवरेस्ट या माउंट बटूर तो इनके आगे, आगे आर्टिकल नहीं आएगा जबकि अगर मैंने बात की कि माउंटेन रेंजेस की अगर मैंने बात कर दी लाइक द हिमालयास सो इसके आगे आर्टिकल आप लगाएंगे या तो हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल आइलैंड की या लेक की तो उसके भी आगे आर्टिकल आएगा लेकिन अगर मैंने बात किया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की लाइक like, द मालदीव द अंड तो इसके आगे द लगेगा कोई भी कन्फ्यूजन अभी हो रहा है तो प्लीज़ एक बार आर्टिकल वाला जो हमारा वीडियो लेसन है वो रेफ़र कीजिएगा उससे आपको वापस से अंडरस्टैंडिंग आएगा आर्टिकल गाइज समझिए आर्टिकल समझने में थोड़ा टाइम लगता है ये प्रैक्टिस के साथ आप हमेशा निगेट कर पाएंगे आर्टिकल को या कहाँ पे आर्टिकल आना है वो समझ पाएंगे सो फोर्थ रूल हम देखते हैं हम किसी भी मील के आगे जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जैसे अगर मैंने बात की वट टाइम डू यू हैव लंच तो लंच के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा डिनर इज रेडी डिनर के आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा लेकिन जब मैं लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट के आगे कोई एडजेक्टिव पुट कर देती हूँ तो उसके आगे हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं आई हैड एन अर्ली ब्रेकफास्ट टूडे मैंने आज जल्दी ब्रेकफास्ट किया सो so, अर्ली यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है और उसके कारण यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है आई हैड अ क्विक लंच एट पिज़्ज़ा हट सो यहाँ पे लंच के आगे क्विक लगाया गया है इसीलिए ये एज अ एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है एंड यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ हुआ है जब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस या सब्जेक्ट की या स्पोर्ट्स की तो उनके आगे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है ये बोलता है हमारा रूल नंबर फिफ्थ तो अगर मैंने बोला वी लर्न वी आर लर्निंग इंग्लिश तो मैं ये नहीं बोलूंगी वी आर लर्निंग अ इंग्लिश और वी आर लर्निंग द इंग्लिश मैं सिंपली बोलूंगी वी आर लर्निंग इंग्लिश तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा ही इज गुड एट मैथ्स तो इसके आगे ही इज गुड एट आ मैथ्स या फिर द मैथ नहीं आएगा ही इज गुड एट मैथ्स ही आएगा बस आई लाइक टू प्ले क्रिकेट सो यहाँ पे आई लाइक टू प्ले अ क्रिकेट या आई लाइक टू प्ले द क्रिकेट नहीं आएगा ये सिर्फ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट आएगा अब हम बात करते हैं हमारे सिक्स रूल की जो बोलता है कि कुछ भी जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उनके आगे भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है बीट मदर फादर सिस्टर ब्रदर एग्जाम्पल देखते हैं फादर इज़ गोइंग टू डेली और आप बोल सकते हो माई फादर इज़ गोइंग टू डेली दोनों करेक्ट है लेकिन आप द फादर इज़ गोइंग टू डेली या आ फादर इज गोइंग टू डेली नहीं बोल सकते हैं वो रॉन्ग होगा और अब हम समझते हैं लास्ट रूल सेवेंथ रूल ऑफ द देशन बट या और भी कुछ रूल्स हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के जो हम फर्दर लेस में सीखेंगे सो so, जब मैं बात कर रही हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल की तो ये दो दो कंडीशंस हो सकती हैं इसमें जब मैं बात कर रही हूँ उनके प्राइमरी पर्पज़ की या मैं बात कर रही हूँ उन्हें विजिट करने की दोनों ही कंडीशंस में जब मैं ब्रिटिश इंग्लिश रेफ़र करती हूँ यू के वाली इंग्लिश रेफ़र करती हूँ तो इनके आगे आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है वी गो टू चर्च ऑन संडेज हम संडे को चर्च जाते हैं तो इसके आगे द या अ नहीं आएगा ही स्टेज इन बेड टिल एट एवरी मॉर्निंग वह एट ओ क्लॉक तक सारी सुबह बेड पर रहता है तो बेड के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों ए या द कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा जबकि अगर मैं बात कर रही हूँ द स्कूल इज नियर माई होम इसमें अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ना तो स्कूल के प्राइमरी पर्पज़ की बात हो रही है ना ही स्कूल को विजिट करने की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं आई मेड एम एट द चर्च सेम गोज़ फॉर दिस सेंटेंस एज वेल द बेड इज सॉफ्ट यहाँ पे ना तो बेड के प्राइमरी पर्पज़ की बात हो रही है ना आपके उस बेड पे जाके सोने की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है जब भी इन दोनों चीज़ों की बात होती है तब हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है एंड रिलैक्स होके ये सेशंस आपको दो तीन बार देखने होंगे जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़े क्योंकि आप सोचेंगे मैं एक बार ये सेशन देख ली और मुझे एकदम से समझ में आ जाए तो ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा इंग्लिश है एक लैंग्वेज है हम काफ़ी टाइम से इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम सीखेंगे इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है हैप्पी लर्निंग टू यू ऑल